रन दिए सिर्फ। अब आ रहे हैं राउंड द विकेट और इसे बहुत ही खूबसूरती से फ्रंट फुट को हटाया और जगह बनाई और ऑफ साइड की दिशा में। यहां पर गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। और इस बार भी बल्लेबाज देखते रह गए अंपायर की तरफ, लेकिन शायद फिर से उनके हिप को लकी गई है। जी हाँ, फिर से दादी प्रदीप ने की अच्छी विकेट कीपिंग। कैप्टन छोटी कैच हो सकता है, कॉटन बोल्ड और छोड़ा, स्लोअर गेंद थी अयाज लेकिन कैच छोड़ा। दबंग्स रवि किशन, वेलकम रवि टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो क्या चर्चा हुई आप लोगों की जब बल्लेबाजी शुरू करने आए? मनोज बाबू ने हमसे कहा कि बहुत ही फोकस रहना है। व्हेन आई टोल्ड हिम, आई सेड कि एक टिपिकल हरार महादेव, आई सेड और आई सेड गो अहेड एंड लेट्स प्ले, बिकॉज बहुत बढ़िया ये रहा कि ये पिच बहुत अच्छी रही तो हम लोगों को। सो बड़ा फोकस रहा और मुझे लग रहा है कि हम लोग इनिशियली स्कोर इतना बड़ा था, सीसीएल का सबसे बड़ा स्कोर था, तो बहुत बड़ी चिंता भी थी हम लोगों के लिए, तो इसको चेज करना बहुत हम लोगों के लिए ज़रूरी था। जी हाँ, और टी ट्वेंटी में खैर या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आपको चेज करना ही है, ड्रॉ कर तो ड्रॉ तो होगी नहीं मैच, लेकिन सबसे बड़ी सहायता आपको यहाँ पर मिल सकती है पिच से, बिल्कुल फ्लैट पिच है, अगर बल्लेबाज वहाँ पर थोड़ी देर रह जाए, आँखें जम जाए तो रन्स बन सकते हैं। जी चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज जैसे कि हम लोगों ने मराठी टीम को देखा, मुंबई मराठा ने एंड मुंबई हीरोज ने द वे दे प्लेड, तो उम्मीद जग गई कि मुंबई मराठी वीर मराठा ने भी 230 बनाया था, सो नाउ दे गॉट 240, सो चांसेस लग रहे हैं कि हम लोग चेस करें, बट हम लोग प्रोवाइडेड विकेट ना खोएं। बिल्कुल सही, विकेट्स अगर हाथ में हो तो फिर बाद में भी आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये बताइए आपका प्रेपरेशन किस तरह से रहा, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, क्या रूटीन रहा है? जी हम लोग वैसे 2 ईयर 2 साल पुरानी टीम है, पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, फोकस बहुत है इस बार, क्योंकि जो हमारे कैप्टन है वो सांसद भी हैं, सो ही उन्होंने प्रैक्टिस, उनको समय नहीं मिल पाया, बाकी लड़कों ने दिस इज द शॉट बाह मनोज बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा ही इज रॉकिंग, सो दिस इज कॉल्ड बनारसी शॉट, कड़क एकदम समोसा, टिपिकल मजा है सीसीएल में हम लोगों की, एकदम कड़क जैसा खेत में मार रहे हैं, नहीं खेत में खेलते हैं, सो टेक्निकली बहुत कम रहेंगे लेकिन शॉट जब लगेंगे तो बड़े ही स्ट्रांग उनके, बड़े ही कड़क शॉट रहेंगे, और अल्टीमेटली जैसे भी बने रन आए वो ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये प्रवेश ने मारा शॉट, ये सीधे गया पवेलियन में एंड दिस इज कॉल्ड कड़क बनारसी शॉट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी टीम जिंदा हो रही है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घबराए थे, बड़ा मुंह हम लोगों का लटक के 10 फीट का हो चुका था नीचे। तो कर्नाटका की टीम जो है बुलडोजर्स ने, वो भी अपनी पहली विकेट पार्टनरशिप इतनी ऊंची थी उस वजह से 240 तक पहुंच सके, यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत, 57 बिना कोई विकेट खोए और यादव ने गजब का छक्का लगाया पिछली गेंद पर। हाँ, 6 ओवर समाप्त, स्कोर है रीच, बहुत फैन फॉलोइंग है आप लोगों की, खास करके आपकी और मनोज तिवारी की। ओ बढ़िया, बाउंड्री लाइन में थोड़ा सा पकड़ बज गई, लेकिन मनोज तिवारी अब अंगड़ाई लिए हैं और प्रवेश अगर खेलना वे आ जाए तो प्रवेश सर बहुत बढ़िया, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। हाथ में इस बार ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन टॉप एज लगकर गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, पहली सफलता बुलडोजर्स के लिए। बल्लेबाज है और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन शायद थोड़े से चोटिल है क्योंकि यादव
फिर से मैदान पर लौटे हैं एज अ रनर। शुरू हुआ है, सुधीर है गेंदबाज और नहीं ओवर थ्रो के लिए नहीं भागेंगे। क्या चोट लगी है अजय शर्मा को? अजय मुझे लगता है थोड़ा सा प्रैक्टिस के दौरान उसे क्रैम्प भी था और इसीलिए थोड़ा फिजिकली थोड़ा ही इज नॉट अ फिट गाय यू नो बट ही मस्ट बी अ गुड बैट्समैन नंबर तीन पे आए हैं। ही इज अ गुड बैट्समैन, यस इज अ गुड बैट्समैन और पहले प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेलते थे कहीं पर मुंबई में। अच्छा, खैर बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। मनोज तिवारी ने अपना हाथ तो खेला है, अच्छा 18 रन पर खेल रहे हैं। अभी भी मनोज अपने अपने वाले सुर में नहीं है, अगर वो आएंगे तो बहुत ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड बैट्समैन। जी हाँ, काफी तारीफ सुनी है हम लोगों ने मनोज तिवारी के बारे में, बहुत शौकीन है क्रिकेट के, खेलते भी अच्छा है, पर वक्त मिलता है उन्हें आजकल? संसद में भी हैं और प्रैक्टिस के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो और मैंने देखा है कि क्रिकेट या कोई भी गेम अगर आप रियाज ना करें, और मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं शूटिंग करता ना हूं रियाज ना करूं तो मैं प्लेग्राउंड पे बड़ा कमजोर दिखता। तो अपना खाता खोला अजय शर्मा ने और जैसे रवि किशन कह रहे थे कि अच्छा खेलते हैं, क्रिकेटर पहले स्ट्रोक में पता चला कि पैर उनके सही चलते हैं, जजमेंट अच्छी थी लाइन की और लेंथ की। ये पुल किया है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया शॉट, वाह मनोज बाबू वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया शॉट। और थोड़ा सा देख रहा हूँ कि पवेलियन में हमारी टीम, भोजपुरी टीम में थोड़ी सी तरंगे दिखाई दी, लड़कियाँ हमारी हीरोइनें थोड़ी उछलने लगी, थोड़ी पतली भी हो जाएंगी इसी चलते। सुधीर देखते रह गए मनोज तिवारी को, ये कहां से दो फील्डर थे वहां पर, एक फाइन लेग पर है एक स्क्वायर लेग पर है, दोनों को बीट करते हुए बीच से निकली वो गेंद राउंड द विकेट। ये बॉलर हमको अब वो जो पाकिस्तान के एक अब्दुल कादिर कादिर थे वैसे वैसे कुछ झूमते झूमते है ना ही कम्स। सात ओवर समाप्त 64 पर एक। आप जा रहे हैं? मैं हूँ, छुट्टी है।